ये देखिए फ्रेंड्स, ये है इसकी लास्ट की फिनिशिंग। ये HDHMR पर हमने ब्लू मेटेलिक पेंट किया है, जिसकी फिनिशिंग बिल्कुल हाई ग्लॉस और स्मूथ है। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि यह पेंट कैसे किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि HDHMR बोर्ड या फिर MDF बोर्ड पर मेटेलिक ब्लू पेंट कैसे किया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि यह प्रोसेस कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमें लेना है रेगमाल। रेगमाल आप 320 नंबर या फिर 220 नंबर का ले सकते हैं और पूरे MDF या फिर HDHMR बोर्ड पर इससे सैंडिंग करनी है। देखिए इस तरह का होता है यह रेगमाल, 320 नंबर वाटरप्रूफ रेगमाल है ये, और पूरे MDF के ऊपर लगा देना है हमें अच्छी तरह दबा के। और टक्कर पे अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप पट्टे वाला रेगमाल भी मार सकते हैं, 120 नंबर या फिर 100 नंबर। उसके बाद में लेना है हमें प्राइमर। देखिए ये हमारे पास जीको कंपनी का ऑटो पेंट प्राइमर है, ग्रे प्राइमर है ये, इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। इसको पतला करने के लिए इसमें डिको थिनर इस्तेमाल किया जाता है, इसमें आप NC थिनर भी मिक्स कर सकते हैं। 4 लीटर की पैकिंग है और इसकी MRP आप देख सकते हैं 1412 रुपये है। अब इसको हमें अप्लाई करना है इस पर एक कोट, इस तरीके से इसके ऊपर प्राइमर अप्लाई करना है। फिर इसको कुछ देर सूखने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद में इसकी हमें पुट्टी करनी है। पुट्टी करने के लिए आप NC पुट्टी या फिर आप वुड फिलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट कलर के वुड फिलर का। देखिए अभी सूख चुका है, अभी हम इसकी रिपेयर करेंगे वुड फिलर से, सैंडिंग करके हल्की सी। ये देखिए ये हमारा इटालियन वुड फिलर है, ये वाइट कलर का वुड फिलर होता है, इससे हम रिपेयर करते हैं इसकी। ये देखिए वाइट है। अब इसको आप चाहें तो पूरे MDF के ऊपर भी खींच सकते हैं या फिर जहाँ पर होल होते हैं, जैसे कील के निशान होते हैं, तो वहाँ पर इसकी रिपेयर भी कर सकते हैं। इस तरीके से दो बार आपको रिपेयर करनी पड़ेगी। उसके बाद में इसको सूखने के लिए छोड़ देना है, फिर से इसके ऊपर एक कोट प्राइमर अप्लाई करना है। ये देखिए हमने इस पर प्राइमर अप्लाई कर लिया था, अभी हम इसकी सैंडिंग कर लेंगे हल्की सी और फिर हम इस पर डायरेक्ट ही पेंट अप्लाई करेंगे। पेंट आप कोई भी कलर ले सकते हैं, हम मेटेलिक ब्लू पेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, मेटेलिक ब्लू। बाकी आप कलर कोई भी बनवा सकते हैं, सारे कलर कंप्यूटर से बनते हैं, सारे कलर मार्केट में अवेलेबल हैं, जो भी आपको कलर करना हो। ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर हम 2-3 हाथ एक बार में ही मार देंगे, जिससे कि एक बार में ही पूरा फिनिश हो जाएगा, मेटेलिक लुक में आ जाएगा। देखिए अभी हमने इसके ऊपर पेंट अप्लाई कर लिया है और इसमें हल्की हल्की शाइनिंग भी आ गई है। अभी हम इसके ऊपर टॉप कोट अप्लाई करेंगे, जो कि ग्लोसी का होगा, उसको हम सूखने के बाद में करेंगे इसके ऊपर। अभी देखिए अभी सूख चुका है पूरा, अब हमें इसके ऊपर क्लियर अप्लाई करना है, जो कि हाई ग्लॉस फिनिश में होगा। अगर आपको ग्लोसी फिनिश चाहिए तो आप ग्लोसी क्लियर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको मैट चाहिए तो आप मैट क्लियर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस पर। हमें ग्लोसी फिनिश चाहिए तो हम ग्लोसी का ही इस्तेमाल करेंगे। और ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर एक या दो कोट अप्लाई कर सकते हैं आप, एक बार में आप 2-3 हाथ मार देंगे, जिससे कि एक बार में ही फिनिश हो जाएगा। बाकी अगर आपको लगे कि डबल कोट लगाने की ज़रूरत है, तो जब यह सूख जाएगा तो इसकी सैंडिंग करके आप डबल कोट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमारा एक कोट में ही पूरा फिनिश हो चुका है, पूरा हाई ग्लॉस फिनिश में है ये, देख सकते हैं आप, मेटेलिक लुक है इसकी, मेटेलिक ब्लू। और इस पर कंपाउंड भी किया जा सकता है, कंपाउंड आपको करने के लिए कम से कम 48 घंटे तक इसको सुखाना पड़ेगा, उसके बाद में हम कंपाउंड कर सकते हैं। कंपाउंड कैसे किया जाता है, उसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।